Hello, I'm Dr. Sunil Vadgole, developmental pediatrician. Today we are going to discuss in quick tips about my child flaps hands, why and what to do. So let's understand what is hand flapping. Hand flapping क्या है? Hand flapping के बार बार करने वाली स्टीमिंग, मैंने खुद को स्टीमिंग का मतलब है सब स्टिम्युलेटरी, खुद को स्टिम्युलेट करने वाले, खुद को उत्तेजना देने वाले ऐसे बिहेवियर है जहां पे बच्चे अपने आर्म्स हाथ फैलाते रहते हैं, बर्ड्स जैसे पंछी जैसे हाथ उड़ते हैं वैसे उनके हाथ उड़ते रहते हैं, उनके फिंगर्स मूवमेंट चालू रहती है, उनके फिंगर का फ्लिकिंग चालू रहता है छोटा छोटा छोटा, दिस ऑल टूगेदर इज अ हैंड फ्लैपिंग, इसको हम हैंड फ्लैपिंग बोला जाता है। ये ऑटिज्म के बच्चों में बहुत बार देखा जाता है। अभी क्यों करते हैं? ये एक्चुअली खुद को संभालने के लिए करके है, खुद के ऊपर नियंत्रण करने के लिए रहते हैं। उनके हाथ में बहुत सारी एनर्जी रहती है, वो एनर्जी रिलीज करने के लिए करते हैं, दैट इज फर्स्ट रीजन। दूसरा क्या रहता है, उनके दिमाग में बहुत सारी भावना आती है लेकिन भावना व्यक्त नहीं कर पाते, भावना दूसरों की भावना से भी कभी कभी अनइजी उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो संभालने के लिए वो हैंड फ्लैप करते हैं। और तीसरी बात उनमें रहती है, कभी कभी एक्साइट ज्यादा होते हैं, वो एक्साइटमेंट वो निकाले कैसी, एक साइड पे एंग्जाइटी बीइंग इमोशन, दूसरी साइड पे एक्साइटमेंट, यहाँ पे भी हैंड फ्लैपिंग शुरू हो जाता है। तो ये तीन इज ध्यान में रखने का, एनर्जी रिलीज, इमोशंस एंड एक्साइटमेंट। अब इसके लिए करें क्या, पहले हम सबको ऐसे लगता है कि चलो इसको चुप करें, बट अगर हैंड फ्लैपिंग उसको सेल्फ रेगुलेशन खुद को नियंत्रण करने के लिए वो जरूरी है, अगर जरूरी है तो उनको अलाउ करो। सो अलाउ हैंड फ्लैपिंग टिल इट इज नॉट डिस्टर्बिंग द चाइल्ड और अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लीव द चाइल्ड ऑन हिज ओन, वो अपने आप रुक जाता है। लेकिन अगर रिप्लेस, अगर उसको हमने स्टॉप करने की कोशिश को बंद करो और उसको रिप्लेस नहीं किया तो क्या होगा, वो और प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। आज हम हैंड फ्लैपिंग चॉप कर रहे हैं, शायद बच्चा को और कर पाएगा। सो कभी कभी रिप्लेसमेंट से नहीं किया गया राइट टाइम से, सिर्फ स्टॉप किया गया तो और चैलेंजिंग है, सिर्फ बंद करने की कोशिश की तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा हैंड फ्लैपिंग छोड़ के बच्चा भी घूमने की कोशिश कर रहा है, सो ये और चैलेंजिंग में मैंने कन्वर्ट होता है। तो रिप्लेसमेंट जरूरी है, स्टॉपिंग कभी नहीं करना है, बंद कम कर करो चुप बैठो ये नहीं करना है, इससे मुसीबत और बढ़ सकती है। क्या कर सकते हैं, हम उसको फिजेट बॉल दे सकते हैं, हम उसको प्लेट हो नहीं तो अपना किचन का अपना रोज का गेहूं का आटे का गोला हाथ में दे सकते हैं, सिर्फ नमस्कार करके उससे भी उनके हैंड क्लैपिंग शांत होने में पॉसिबिलिटी, अगर उसको अच्छी तरह से सिखाया गया है तो। क्लैप करने को बोले इन नॉर्मल कंडीशंस, वो भी उनको हैंड क्लैपिंग कम करेगा। अपने हाथों पे बैठने को बोलने का, दैट ऑल्सो रिड्यूसेस दैट, हम उनको काम दे रहे हाथ को, ये ध्यान में रखो, हम कुछ अच्छे आइडियाज उसको अच्छा काम दे रहे तब जाके हैंड क्लैपिंग रुकने वाला है। खुद को अच्छी तरह से हक करना, बेयर हग जिसको बोलते हैं, दैट रिलैक्सेस देम अ लॉट एंड दैट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर एंग्जियस चिल्ड्रन। वॉल पे पुश करना, पुशिंग ऑन द वॉल्स इज अनदर ब्यूटीफुल आइडिया जहां से बच्चे का प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन हो जाता है और हैंड फ्लैपिंग कम होता है। पॉपिंग, आजकल वो पॉपअप के खिलौने मिलते हैं, यू कैन कीप देम इन देयर बैग एंड इन देयर इजिली अवेलेबल वे, सो दैट वो उसके साथ खेल के अपना हैंड फ्लैपिंग कम कर सकेंगे। तीसरा है, कुछ बच्चों को पानी के साथ खेलना अच्छा लगता है, आस्क देम टू रब देयर हैंड्स, वॉश देयर हैंड्स, अपने आप हैंड फ्लैपिंग चला जाएगा, फिर रिप्लेसिंग द हैंड फ्लैपिंग, ये ध्यान में रखो। फिर बेयर वॉक, अगर बच्चा एक बहुत एनर्जी रिलीज चाहते हैं हम, तो लेट द चाइल्ड वॉक लाइक अ बेयर, उसे एनर्जी होती है, प्रोप्रियोसेप्टिव बैलेंसिंग स्टिमुलेशन मिलता है और धीरे धीरे हैंड फ्लैपिंग कम हो सकता है। एंड यू कैन वर्बली, जो बच्चे बोल सकते हैं समझ सकते हैं उनको आप बोल सकते हैं, अभी देखो कि आप एक्साइटेड हो मुझे पता है, आपको एंग्जाइटी है मुझे पता है, लेट्स स्क्वीज अ टॉय, लेट्स डू सम एक्टिविटी, उनको बोल के हम बताएंगे, बट ये कहीं बोलेंगे ना कि हैंड फ्लैपिंग बंद करना है, इससे और प्रॉब्लम मैं बार बार बोल रहा हूँ बढ़ सकता है। तो एक ध्यान में रखें कि हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, स्टॉप करने से एक्चुअली क्या होता है, उसको ज्यादा अटेंशन मिलता है, अटेंशन मिलने से क्या होता है, वो और वही बिहेवियर बार बार करने की इच्छा हो जाती है और हैंड फ्लैपिंग और बढ़ता है। सो द आंसर इज वॉचफुल निगलेक्ट। तो ये सब करके देखिए, और ये एक हमारा जो ग्लोबल इज ऑनलाइन ऑटिज्म लर्निंग प्रोग्राम है उसका एक पार्ट है। आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो एक बात जरूर कीजिए, हमारा जो चैनल है चिरंजीव ग्लोबल एट यूट्यूब, उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर हमें कॉन्टेक्ट करें।